हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी टॉप विथ रफल स्लीव्स, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। तो यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। और यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। बैक की लेंथ मैं लूँगी 2 इंचेस। यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये मैंने दो नेक ड्रॉ कर लिए हैं, तो हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को निकाल देना है, वो है हमारा बैक का पार्ट। उसके बाद हमें इसे वापस 2 फोल्ड करना है अच्छे से। अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम नेक पार्ट को कट करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। देखिए, फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव्स की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमने ब्रॉडनेस ली है 6.5 इंचेस। अभी इस तरफ से हमें 2.5 इंचेस पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ से लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, तो हमारे पास 2 स्लीव्स है इस तरह की। देखिए, इस तरह से मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक से स्ट्रिप कट की है, जिसकी लेंथ है 25 इंचेस, ब्रॉडनेस है 3 इंचेस। तो ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है और नीचे की तरफ हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करते हुए हल्के हाथों से खींचते जाना है। तो इस तरह से हमारी गैदरिंग तैयार होगी। इस तरह से हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब हमें इसके ऊपर इसे रखना है और यहाँ पे नेक पार्ट पे हमें सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। देखिए, हमने फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और बाहर की तरफ हमें इतनी सी पाइपिंग रखनी है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए, हमने नेक तैयार कर लिया है। अब एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए शोल्डर फिटिंग करेंगे। और इस तरफ भी हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है और ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें दोनों को अच्छे से मिलाना है और दोनों को हम जॉइन करेंगे इसी तरह से। इस तरफ हमें दूसरी स्लीव्स रखनी है और यहाँ पे भी हमें दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और
इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए मैंने इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ है 13 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 24 इंचेस। तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये फोल्ड मैंने किया है 5 इंचेस जितना। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है गैदरिंग बनाने के लिए, और इसकी जो बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और ऊपर की तरफ हमने लूज स्टिच लगाई है। अब एक धागे को अलग करके यहाँ पे भी हमें गैदरिंग तैयार करनी है। देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब हम इसे स्लीव्स के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें इस रफल को उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। इसी तरह से इसको भी हम स्लीव के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने रफल को ज्वाइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें इस तरह की स्ट्रिप लगानी है। तो फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स करेंगे और इस तरफ से भी हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप को हमें यहाँ पे लगानी है। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को लगा दिया है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। पूरी लेंथ में हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे आप इस तरह के स्ट्रिंग को लगा सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड और नीडल से स्ट्रिंग को यहाँ पे लगा दिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी टॉप विथ रफल स्लीव्स बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर टॉप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।